अगर आप नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन यूज करते हैं तो आप ये भी जानते होंगे कि कई लोग ग्रुप बनाकर एक ही अकाउंट का सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं और आपस में पासवर्ड शेयर करके नेटफ्लिक्स को यूज करते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि आपका नेटफ्लिक्स अकाउंट सेफ है या नहीं? कहीं आपका अकाउंट भी कोई और यूज तो नहीं कर रहा? टेंशन ना लें, इस वीडियो के बाद आप सब कुछ समझ जाएंगे। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हम किस तरह से चेक कर सकते हैं कि कौन कौन हमारे नेटफ्लिक्स अकाउंट को यूज कर रहा है और उन यूजर्स को हम किस तरह रिमूव कर सकते हैं। वेलकम टू द माइंड फील्ड, जहां हम ऐसे ही मजेदार टॉपिक्स पर वीडियोस लाते रहते हैं। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ऐसे ही मजेदार वीडियोस और देखने के लिए। आज के इस टाइम में काफी सारे OTT प्लेटफॉर्म्स दुनिया भर में अवेलेबल हैं, जैसे कि Amazon प्राइम वीडियो, सोनी लिव, Z5 और भी बहुत सारे। OTT का फुल फॉर्म है ओवर द टॉप। ओवर द टॉप मीडिया सर्विसेज का मतलब है ऐसी मीडिया सर्विसेज जो कि इंटरनेट के थ्रू यूजर्स को ऑफर की जाती है। नेटफ्लिक्स भी एक OTT प्लेटफॉर्म है जो कि काफी पॉपुलर है। पूरे वर्ल्ड में इसके लगभग 221.64 मिलियन पेड यूजर्स हैं। लेकिन नेटफ्लिक्स में पासवर्ड शेयरिंग और काफी सारे यूजर्स का एक ही सब्सक्रिप्शन लेना कोई नई बात नहीं है। नेटफ्लिक्स ने इस बारे में ये तक कहा था कि उनकी कंपनी को इन प्रैक्टिसेस की वजह से काफी सारा नुकसान हुआ है, और ये भी हो सकता है कि नेटफ्लिक्स आगे चल के पासवर्ड शेयरिंग और अकाउंट शेयरिंग पर भी चार्जेस अप्लाई करें। जैसे जैसे लोगों को आपके अकाउंट के क्रेडेंशियल्स मिलते रहते हैं, वैसे वैसे अपने अकाउंट को मैनेज करना काफी मुश्किल हो जाता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले ये चेक करना होगा कि आपके अकाउंट को कौन कौन यूज कर रहा है, और इसके लिए आपको लैपटॉप या डेस्कटॉप के थ्रू अपने नेटफ्लिक्स अकाउंट में लॉगिन होना पड़ेगा। इसके लिए आप अपनी चॉइस का कोई भी ब्राउजर यूज कर सकते हैं, जैसे कि क्रोम, सफारी एक्सेट्रा। लॉगिन करने के बाद आपको टॉप राइट कॉर्नर में अपनी प्रोफाइल पिक्चर पर क्लिक करना है और ड्रॉप डाउन मेन्यू को ओपन करना है। इस ड्रॉप डाउन मेन्यू में आपको एक अकाउंट्स का ऑप्शन मिलेगा। अब आपको इस अकाउंट्स के ऑप्शन पर क्लिक करना है और एक अकाउंट्स का नया पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब इस अकाउंट्स पेज में बॉटम में एक सेटिंग्स का ऑप्शन अवेलेबल होगा, जिसके अंदर ब्लू कलर में बने हुए काफी सारे ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे। इन ऑप्शंस में से आपको रीसेंट डिवाइस स्ट्रीमिंग एक्टिविटी पर क्लिक करना है। इस ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपके सामने सारा डेटा आ जाएगा कि किस किस डिवाइस से आपके अकाउंट में लॉगिन हुआ है और किस लोकेशन से हुआ है और कौन से डेट और टाइम पे हुआ है। और अब हम जानेंगे कि इन यूजर्स को अपनी नेटफ्लिक्स अकाउंट से कैसे रिमूव करना है। सबसे पहले आपको सारे डिवाइसेस से लॉग आउट करना पड़ेगा और पासवर्ड चेंज करके अपने डिवाइस से लॉगिन होना पड़ेगा। इसके लिए आपको अपनी प्रोफाइल पिक्चर पर क्लिक करके ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाना है और अकाउंट्स के ऑप्शन पर क्लिक करना है, और अकाउंट्स पेज के अंदर बॉटम में सेटिंग्स के ऑप्शन के अंदर साइन आउट फ्रॉम ऑल डिवाइसेस के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने से आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा, जिसमें कि साइन आउट पर क्लिक करके आपको कंफर्म कर देना है। इसके बाद आपके अकाउंट से सारी डिवाइसेस साइन आउट हो जाएंगे। अब वापस से प्रोफाइल पिक्चर पर क्लिक करके ड्रॉप डाउन लिस्ट को ओपन करना है और अकाउंट्स के सेक्शन पर जाना है, और आप अकाउंट सेक्शन में चेंज पासवर्ड के ऑप्शन पर क्लिक करके अपना पासवर्ड चेंज कर दें। अब आपके नेटफ्लिक्स अकाउंट से सारे दूसरे यूजर्स रिमूव हो चुके हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आज की वीडियो में हमने ये सीखा कि हम किस तरह चेक कर सकते हैं कि कौन कौन हमारे नेटफ्लिक्स अकाउंट को यूज कर रहा है और कैसे उन यूजर्स को हम रिमूव कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप भी नेटफ्लिक्स यूज करते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही साथ द माइंड फीड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ऐसी ही मजेदार वीडियोस और देखने के लिए। टेक केयर, सी यू सून।